नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप एयरटेल 5G यूज कर रहे हैं और कंटिन्यू आप एयरटेल 5G अनलिमिटेड डेटा का एंजॉयमेंट कर रहे हैं या अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आने वाले टाइम में फिक्स हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आप किस तरीके से फ्रॉडल साबित हो सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट, आपको जो एयरटेल के राइट्स है उसके अनुसार आपके ये सारे ऑफर खत्म कर सकती है। तो कभी भी आप मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं तो किस एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे यूज कर सकते हैं और किस तरीके से आप फ्रॉडल ना कहलाएं वो हम बात करेंगे इस वीडियो में, कि कभी यूज करते करते आपका सारा ही 5G अनलिमिटेड ऑफर जो है खत्म हो जाए, जो कि एयरटेल अपने ऑफिशियल बयान में कहता है। बट आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे बात करी जाए तो एयरटेल 5G यूजर क्लेम करते हैं तभी उन्हें अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल में 5G नेटवर्क आ रहा है, आपने 239 रुपए से ऊपर का रिचार्ज भी करवा रखा है, तब तक आप फर्स्ट टाइम एटलीस्ट वन टाइम आपको क्लेम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अनलिमिटेड मिलते रहेंगे आने वाले रिचार्ज पे। लेकिन क्लेम जरूर करना, उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे अनलिमिटेड डेटा। यहाँ पे बात करी जाए तो किस तरीके से एयरटेल ने ट्रिक यूज की है अपने एयरटेल यूजर्स के लिए जो कि 5G नेटवर्क पे यूज कर रहे हैं। अराउंड एयरटेल के ऑफिशियल के हिसाब से हम बात करें तो आपको 1 करोड़ लोग, लमसम ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत आंकड़ा, तो यहाँ पे बात की जाए तो 1 करोड़ लोग एयरटेल का 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली टोटल 500 सिटियों के अंदर लॉन्च किया था, हमने कह दिया था कि ऐड किए 500 सिटियां, तो वहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट जरूर गलत हो गया था, लेकिन एयरटेल का तो पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट ही गलत हो गया कि 30 से 40 सिटी। उस हिसाब से बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो एयरटेल ऑफिशियली कहता है कि हम 30 से 40 सिटी ऐड कर रहे हैं पर डे, तो वो 6 महीने के हिसाब से मात्र 2.7 सिटी ही ऐड कर रहे हैं पर डे। मतलब इतना बड़ा फॉल्स कैसे हो सकता है इन्फॉर्मेशन में, जिस तरीके से एयरटेल ने शो ऑफ किया, स्टेटमेंट दिया, ऑफिशियल लिखा और उसके बाद टोटल 500 सिटी। तो चलिए, ये तो चलता रहता है, एयरटेल अपने बात कहता है फिर मुकर जाता है उससे। बट यहाँ पे बात करी जाए तो आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट देते हैं, वहां पे आपको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है किस तरीके से एयरटेल की, जैसे आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपका जो अनलिमिटेड डेटा है वो रुक जाता है और आपका 4G डेटा खत्म होने लगता है और उसके बाद आप एक्सेस नहीं कर पाते, तब तक आप हॉटस्पॉट किसी को क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या है कि जैसे आप, हर किसी डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है, उसके आधार पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कितने नेटवर्क पे कितने डिवाइस कनेक्टेड है, तो वैसे ही आपके मोबाइल फोन का होता है, तब आप क्लेम करते हो। तो डेट मीन्स ये है कि आप रजिस्टर्ड करते हैं उस मैक एड्रेस को अपने एयरटेल 5G नेटवर्क पे, इसके बाद आप यूज कर पाते हैं अनलिमिटेड डेटा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसी उस नेटवर्क पे, मतलब बात करी जाए तो एक आईपी एड्रेस आपको जनरेट करके दे दिया जाता है, उस आईपी एड्रेस पे अनदर कोई भी मैक एड्रेस ऐड होता है या किसी को आप बाय हॉटस्पॉट या यूएसबी इथरनेट के द्वारा या ब्लूटूथ के द्वारा किसी भी तरीके से आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे के मोबाइल फोन का, क्योंकि तब आप किसी को दे रहे हैं इंटरनेट, तो वहां पे उसका भी एक अपना मैक एड्रेस होता है। वो कोई सा भी मोबाइल हो, कोई सा भी डिवाइस हो, कोई सा भी लैपटॉप हो, डजंट मैटर, लेकिन जैसी वो मैक एड्रेस कनेक्ट होता है सर्वर पे, तो वहां पे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप धोखा कर रहे हैं एयरटेल के साथ हॉटस्पॉट करके। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो एयरटेल ने बहुत मेहनत से, बहुत मिन्नतों के बाद आपको अनलिमिटेड डेटा दिया और उस पर आप किस तरीके का क्लेम नहीं कर सकते। तो मतलब यह है कि आप हॉटस्पॉट से डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे आपका डिटेक्शन हो जाता है और उसके बाद आपका 4G डेटा यूज होने लगता है। ये यहाँ तक तो बात कहीं ना कहीं सही थी कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, कम से कम वहां पे आपको फ्रॉडल साबित नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है एयरटेल का वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इट इज द क्लेरिफाइड स्टैंड दैट दिस ऑफर आर ओनली मेड फॉर पर्सनल, मतलब यहाँ पे नॉन कॉमर्शियल यूज के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। एयरटेल रिजर्व्ड द राइट टू एंड एंड सस्पेंडेड एंड मॉडिफाई द ऑफर सर्विस इन स्पेसिफिक केस ऑफ कॉमर्शियल यूज और एनी फ्रॉडल यूज, मतलब आप फ्रॉडल यूज कर रहे हैं उसका तो वहां पे आप फंस सकते हैं। मतलब यह है कि आपने अपने 5G मोबाइल फोन से पूरी कंपनी को या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट दे दिया तो आप फ्रॉडल कर रहे हैं और उस कंडीशन में आपका ऑफर सस्पेंड किया जा सकता है, आपको मॉडिफाई किया जा सकता है उस ऑफर में, जो सर्विस है उसे बंद की जा सकती है। मतलब सब कुछ एयरटेल के पास होगा क्योंकि यहाँ पे एयरटेल रिजर्व द राइट। तो इसके अनुसार आप किसी भी तरीके का फ्रॉडल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या फ्रॉडल यूज का तो कोई मतलब नहीं होता, मतलब यह है कि आप किसी भी कंडीशन में, मतलब कुछ एडिटिंग करके या कुछ अलग से
तिकड़मबाजी करते हैं और उसमें पता नहीं चल पाता एयरटेल को कि हाँ आपने मल्टीपल डिवाइसों में एयरटेल का 5G नेटवर्क यूज़ किया और अनलिमिटेड डेटा का एंजॉयमेंट किया, तो उस कंडीशन में आप फ्रॉडर पकड़े जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो सर्विस है वो बंद कर दी जाएगी या ऑफर को ख़त्म कर दिया जाएगा या आपको सस्पेंडेड कर दिया जाएगा, मतलब आपका एयरटेल का नंबर भी ख़त्म कर दिया जा सकता है उस कंडीशन में। लेकिन इतनी टर्म्स एंड कंडीशन लाने की क्या ज़रूरत है? आपको ही मालूम है मैं अनलिमिटेड डेटा चला रहा हूँ, जैसे कि हमने अपनी एक वीडियो में करके भी दिखाया था जियो की ट्रू 5G सर्विस के साथ, कि मैंने अपने TV में, लैपटॉप में, मोबाइल में और अनदर डिवाइस में चला के दिखाया। जो वीडियो ये है आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लाइव, तो वहां पे मेरा 4G डेटा खत्म नहीं हुआ था, 5G स्पीड सही आ रही थी। मैं मतलब बात करूँ तो फुल HD में वीडियो देख रहा था, लैपटॉप में इंटरनेट चला रहा था और साथ में एक दूसरे मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस कर रहा था, और जिसमें मैं मेनली ट्रांसफर कर रहा था उसमें भी इंटरनेट एक्सेस कर रहा था। वहां पे तो कोई फ्रॉडल नहीं हुआ या वहां पे तो कोई सर्विस में इतना बड़ा लीक दिखाई नहीं दिया। बट एयरटेल क्या साबित करना चाह रहा है कस्टमर्स के साथ इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ? यहाँ पे एक सेकंड स्टेटमेंट भी ये भी कहते हैं, शेयरिंग ऑफ डेटा where the customer are activated the unlimited 5G data shall not be allowed by a hotspot। मतलब आप किसी भी जो अनलिमिटेड 5G डेटा है उसे बाय हॉटस्पॉट शेयर नहीं कर सकते अपने मोबाइल फोन से। तो वहां पे हमने बताया मैक एड्रेस का खेल चल सकता है, तो उस कंडीशन में मैक एड्रेस डिटेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में आप जैसे ही आप दूसरा डिवाइस कनेक्ट करते हो तो वहां पे मैक एड्रेस मतलब डिटेक्ट होता है कि एक IP पे 2 मैक एड्रेस चल रहे हैं, तो वहां पे आपका अनलिमिटेड ऑफर जो है खत्म हो जाता है। लेकिन आप किसी भी तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो एयरटेल ने बहुत ज्यादा पाबंदी आपके गले में लगा रखी है। तो मतलब 5G अनलिमिटेड दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार इतनी जरूरत पड़ी जाती है, हमें कभी ग्रुप में होता है कि भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, मुझे कोई होता है कि एयरटेल का या जियो का नेटवर्क नहीं आया, तो जियो तो एयरटेल वाले को दे सकता है लेकिन एयरटेल वाले ने दिया तो वहां पे फ्रॉडल के केस में भी वो सस्पेंड हो सकता है, उसका ऑफर खत्म हो सकता है और उसे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या ये जो डर है वो किस वजह से एयरटेल को बताना चाहिए और क्यों इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ मतलब डेटा आपका इतना कोहिनूर हीरे जैसा महंगा नहीं है, हर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर सर्वाइव कर रहा है इंडिया में, लेकिन यह है कि आपके पास जितनी एक्सेसिबिलिटी है नेटवर्क को लेके वो शायद किसी के पास नहीं है, तो उसका यूज कीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में हम 3-4 महीने में बात करें तो BSNL 5G के साथ आएगा, तो वो अनलिमिटेड डेटा लेकर ऑफर आता है, तो वहां पे तो सच में एयरटेल सुसाइड करने की कंडीशन में बिल्कुल रेडी होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।